सो हाई गाइज, माय नेम इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सभी को ऐसी जगह लेके आया हूँ, जैसे कि आप सभी को पता होगा गाइज, नागपुर की दीक्षा भूमि। वैसा ही सेम प्लेस वहाँ से थोड़ा आगे हिंगना टी पॉइंट के तरफ हमें मिला है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बौद्ध स्तूप है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ का पूरा एरिया दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप है, ये हिंगना टी पॉइंट के थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पे विश्व प्रेरणा केंद्र तो देख सकते हो। तो आज मैं आपको यहाँ का पूरा व्लॉग दिखाने वाला हूँ, और गाइस यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, ये देख सकते हो, ये पूरा गार्डन है और बहुत ही प्यारा गार्डन लग रहा था। और बोधि स्तूप देखिए गाइज, कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। आगे जो देख रहे हो गाइज, वो है लाइब्रेरी। उसी के ठीक बाजू में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा रखी गई है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित दिख रही थी। सो गाइज, ये जगह हिंगना की टी पॉइंट में, अगर आप सड़क के रास्ते से भी आओगे तो आपको ठीक बगल में ही आपको ये बुद्ध विहार दिख जाएगा। काफ़ी लोगों को ये बुद्ध विहार के बारे में पता नहीं है, बट गाइस आप जब भी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सो देख सकते हो बोधि स्तूप इतना प्यारा और इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी हम चलते उसके अंदर, पर एक बार मैं आपको पूरा गार्डन एरिया दिखा देता हूँ। सो गाइस, बहुत ही प्यारा गार्डन है। तो चलिए अभी चलते हैं अभी अंदर। यहाँ पे गाइस साइड में आपको चप्पल जूते रखने का भी व्यवस्था की गई है, और ये बुद्ध विहार बंद था तो हमने अध्यक्ष को बुला के बुद्ध विहार ओपन कराए। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर, और ठीक आप सामने देख सकते हो गौतम बुद्ध की इतनी प्यारी प्रतिमा रखी गई है, और अंदर से इतना शांत वातावरण लग रहा था गाइस। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, ऐसी इच्छा हो रही थी कि वहाँ से बाहर निकलो ही नहीं, क्योंकि हमारे सिवाय बुद्ध विहार में कोई ही नहीं था। तो ये देखिए गाइस, ये थाईलैंड से आई हुई मूर्ति है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगती है। और ऐसी इच्छा हो रही थी गाइस कि बुद्ध विहार में बैठे रहो, निकलो ही नहीं बाहर, इतना शांत लग रहा था। सो ये बुद्ध विहार को एक हिडन बुद्ध विहार भी कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये बुद्ध विहार के बारे में नहीं पता है। मैं आपको यहाँ का पूरा सीन दिखाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फ़ोटो भी रखी गई है, और एक छोटी मूर्ति भी थी जो कि वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पाया। अभी मैं बाहर आया हूँ, तो बाहर से आप देखिए 360 एंगल से कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। सो गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा आते हैं, और देखने में तो गाइस बहुत ही प्यारा और बहुत ही आकर्षक बोध स्तूप ये देखने को मिलता है। सो आप जब भी नागपुर आए, दीक्षा भूमि आए, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए गाइस, बहुत ही सुंदर प्लेस है। आप देखोगे तो आप खुद सोच में पड़ जाऊँगी, कितनी प्यारा स्पॉट है। सो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट करके अपनी राय